अरे लाइट मैन कम है क्या? गोस्वामी जी चलिए चलिए आपसे कुछ तो भूल ही गए, आप भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं? बोल नहीं रही हो, देखा आपने आंखें भरी हुई है।
सर आज क्या सीक्वेंस चल रहा है? आज बेसिकली सीक्वेंस है कि प्रताप जो है अजबदे को लेकर तुलसीदास के पास आए हैं, क्योंकि प्रताप को जो है वो संन्यास चाहिए और तुलसीदास जी ने कहा था कि जो विवाहित होते हैं, जो मैरिड होते हैं, उनको अपनी वाइफ से परमिशन लेना पड़ता है और वो परमिशन लेने के बाद ही जो है उन्हें संन्यास मिलता है। तो बेसिकली प्रताप चाहते हैं कि अजबदे उन्हें परमिशन दें और फिर वो संन्यास लें, तो इसलिए वो अजबदे को लेकर आए। आजकल शरद और उनके महाराणा प्रताप और उनके पिताजी के बीच कैसे रिलेशन चल रहे हैं? मतलब शरद और महाराणा की महाराणा उनके पिताजी okay. मेरे पिताजी बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, पर महाराणा की उनके पिताजी के साथ भी अच्छे रिलेशन है। डेफिनेटली महाराणा जो है, प्रताप जो है, वो अभी चित्तौड़ में नहीं है, तो बट होपफुली सून जो है वो चित्तौड़ वापस जाएंगे। बात करें शो की, सर कितना एंजॉय कर रहे हैं इस रूम? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि इतनी अच्छी हवा चल रही है और मौसम बहुत अच्छा है और सीन अच्छा है और आई थिंक इंटरेस्टिंग है। मतलब आगे जो सीन्स आ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आगे की जो कहानी मैंने पढ़ी है इंटरेस्टिंग है। एक अच्छा बैटल भी आ रहा है तो वो भी है, तो आई थिंक डेफिनेटली आगे के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बार किससे लड़ाई होगी और वो मैं आपको मैं चाहूँगा कि आप देखें, बट डेफिनेटली जो आगे के जो थोड़े बहुत वॉर सीक्वेंसेस होंगे अच्छे लेवल पे शूट होंगे, थोड़े ग्रैंड लेवल पे शूट होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी जो कहानी थोड़ी लीनियर जा रही थी तुलसीदास जी पर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, लेकिन अभी जो है वो आगे जाके थोड़ा ब्रांच आउट करेगी और डिफरेंट ट्रैक्स आएंगे। सो डेफिनेटली वी होपिंग कि आगे जाके और कहानी इंटरेस्टिंग हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।